हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो मेजर ऐप की। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन से ये ऐप अनइंस्टॉल होता है या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन से डिलीट हो जाता है तो हम अपने फ़ोटो और वीडियो को कैसे वापस लाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोटो वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में वापस लाएंगे अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये ऑडियो मेजर ऐप अनइंस्टॉल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100% गारंटी कर देता हूँ आपके फोटो वीडियो जरूरी वापस आएंगे अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये ऑडियो मेजर ऐप अनइंस्टॉल होता है तो। आप अगर रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके फोटो वीडियो 100% ही वापस आएंगे। अगर वापस ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करना, अगर वापस आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊंगा अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ऑडियो मेजर ऐप अनइंस्टॉल हो जाए तो आप किस तरीके से अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे ये रहा हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑडियो मेजर ऐप। मैं इसे अभी आपके सामने ओपन करता हूँ और मेरी इसमें कुछ फ़ोटो पड़ी हैं, कुछ एक अलग वीडियो पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ से। तो ये रहा मेरा पासवर्ड और मैंने ये डाला यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें कुछ फोटो और वीडियो सेव करके रखी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो फोटो है दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन में, यानी इस ऐप के अंदर दो फोटो मैंने यहाँ पर सेव करके रखे हैं और यहाँ पर एक वीडियो भी है। और मैं अब आपके सामने इस ऐप को अनइंस्टॉल करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से इसमें से अपने फोटो वीडियो को रिकवर करेंगे अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये ऑडियो मेजर ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसे यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन से ये ऐप अनइंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको एक बार अपनी मोबाइल फ़ोन की गैलरी में लेकर चलता हूँ। कभी आप सोचेंगे भाई आपने अपनी गैलरी में भी सेव कर रखे होंगे, मगर दोस्तों मैंने अपनी गैलरी में भी ये फोटो नहीं रखे हैं। इसी ऑडियो मेजर ऐप में मेरे फोटो थे जो कि अब मैंने वहाँ से वो ऐप वहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया है और अब हमारे फोटो वीडियो यहाँ से चले गए। देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई फोटो यहाँ पर नहीं है, दो फोटो थे एक वीडियो थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से अपने फोटो वीडियो को वापस लाएंगे अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये ऑडियो मेजर ऐप अनइंस्टॉल होता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा फाइल मैनेजर, ये ऐप आप यहाँ पर सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप आएंगे, आपको यहाँ से ऐप डाउनलोड करना है, यानी आपको यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है फाइल मैनेजर। तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला फाइल मैनेजर ऐप है, हमें यही अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। अगर इसकी बात कर जाए तो 500 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है और 4.6 इसकी रीडिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रीडिंग हो जाती है इस ऐप की। तो इसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने पर अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारे सामने इसका जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके का जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, इससे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने फोटो वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकवर करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब आपको करना क्या है, ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ है 3 बार, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ सेटिंग है, आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ रिकवर शो हाइड एंड फाइल, आपको इसे यहाँ से ऑन रखना है अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑफ है। तो यहाँ से हमने ऑन करके रखी है। तो अब हम ऐसे बैक आते हैं, बैक आने के बाद अब हमें जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक फोल्डर देखना होगा जिसका नाम है प्रोग्राम डाटा। ये फोल्डर आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा या ढूंढना होगा फोल्डर आपको यहाँ पर। तो हमने यहाँ देखा है तो हमारे मोबाइल फ़ोन में दोस्तों ये फोल्डर नीचे आ रहा है जिसका नाम है प्रोग्राम डाटा। तो हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने पर हमारे सामने इसका इंटरफेस कुछ तरीके का आएगा। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये फोल्डर अगर आपको नीचे नहीं मिले तो आपको ऊपर मिलेगा, अगर ऊपर नहीं मिले तो आपको एंड्रॉइड में मिलेगा या फिर एंड्रॉइड डाटा में मिलेगा, आपको यहाँ पर ये फोल्डर मिल जाएगा। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में नीचे है तो हमने यहाँ पर क्लिक करा तो इसे ओपन करा तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ एंड्रॉइड, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद सामने यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे फोल्डर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है लैंग्वेज पे। आपको यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर .fr पे। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने 3 फोल्डर आएंगे, ऑडियो का आएगा, पिक्चर्स का आएगा, वीडियो का आएगा। अगर आपकी वीडियो है तो आप वीडियो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, फोटो है फोटो रिकवर कर सकते हैं, और ऑडियो है तो ऑडियो भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फोटो की, फोटो कैसे रिकवर करेंगे, आपको यहाँ पर पिक्चर्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर न्यू एल्बम बनी आ रही है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और अब हमारी ये देखो कुछ इनक्रिप्ट फाइल है जो कि हमें ठीक करनी होगी। ठीक कैसे करेंगे, आपको बस यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके रखेंगे और नीचे आपको मिलेगा मोर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम है, रीनेम पे जाना है और यहाँ से आपको सारे नंबर कट कर देने। शुरू में आपको इस इमेज का कुछ नाम रखना होगा, यानी कोई भी आप यहाँ से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ नाम डाल देते हैं, तो हमने अपने नाम डाल दिए यहाँ पर और आगे डॉट लगा देना है, उसके आगे आपको लगाना है JPG और फिर बाद में कर देना आपको यहाँ से ओके और यहाँ भी ओके कर देना। ओके करने के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों मैंने जो आपको दिखाई थी उस ऐप में जो मैंने इमेज रखी थी यानी फोटो रखे थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रिकवर हो चुके हैं और वो ऑडियो मेजर ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन से भी अनइंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ, यहाँ से ये वाली देखते हैं। तो इसे भी क्लिक करते हैं, मोर पर जाते हैं, रीनेम पर जाते हैं और यहाँ से सब नंबर कट कर देते हैं। तो इसका भी हम कुछ नाम डालते हैं और यहाँ डॉट लगाते हैं और यहाँ जे
PNG, अगर JPG से काम ना बने PNG ये लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर ओके करना है और यहाँ भी ओके करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, सभी नंबर पर आपको सेम नाम नहीं डालना, सब पे आपको अलग अलग नाम अपनी फ़ोटो का डालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है भी हमारी फ़ोटो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दो फोटो हमने करी है और दो ही फोटो हमारे उसके अंदर थी और दोनों ही दोनों हमारी रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं अपनी वीडियो की दोस्तों। अगर आप देखेंगे नीचे हमारी ये वीडियो आ रही है और ये वीडियो हमारी ऑटोमेटिक ही प्ले हो चुकी है। ये हमारे एक स्क्रीन रिकॉर्ड थी जो मैंने उसमें सेव कर रखी थी और वो ऑडियो मैनेजर ऐप मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया है और ये हमारी वीडियो यहाँ पर आ गई है और ये हमारी प्ले भी हो रही है। अगर बाई चांस दोस्तों आपकी यहाँ पर प्ले ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दबा रखना है इस तरीके से, नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर देना है, रीनेम पे जाना है, सारे नंबर यहाँ से कट कर देने हैं इस तरीके से, सब नंबर कट कर देंगे आप, और यहाँ पर आप शुरू में कुछ नाम डाल दें वीडियो का और उसका डॉट लगा देना है, फिर आपको लिख देना है यहाँ पर MP4 और यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे आपकी वीडियो भी रेडी हो जाएगी। वैसे दोस्तों यहाँ पर वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी रेडी मिलेगी, वहाँ पर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपको इमेज ठीक करनी होगी, जैसे मैंने बताया आपको वैसी अपनी इमेज को ठीक करना होगा। दोस्तों आपको करना क्या है, जिस फोल्डर में आपके फोटो है, जिस फोल्डर में आपकी वीडियो है, वो वीडियो फोल्डर यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, और यहाँ लिखा मूव, आपको मूव पर क्लिक करना होगा। मूव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको करना है इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से अपने लिए अपने इन फोल्डर को पेस्ट करने के लिए एक लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी, तो हम यहाँ से किसी लोकेशन में सिलेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लगे इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये तीनों फोल्डर हमारे यहाँ पर आगे सेव हो चुके हैं, और अब दोस्तों आप वहाँ से इन फोल्डरों में से, अब दोस्तों आपको इन फोल्डरों में से अपनी इमेज को एक एक करके रीनेम करके ठीक कर लेना होगा। बस दोस्तों आपके फोटो वीडियो जितनी भी होगी वो आपकी गैलरी में भी चले जाएंगे। तो मैं आपको एक बार अपने मोबाइल फोन की गैलरी में लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा वो ऑडियो मैनेजर ऐप जो था मैंने आपके सामने लाइव वहाँ से इंस्टॉल कराए, और मैं अब आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी में लेके चलता हूँ। ये हमारे मोबाइल फोन की गैलरी और यहाँ एल्बम आते हैं, तो यहाँ पर अभी नहीं आए, कुछ देर बाद दोस्तों प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ पर आगे सेव हो जाएंगे और वहाँ भी हमें मिल जाएंगे। फिर आप मुझे किसी भी फोल्डर में लाकर सेव कर सकते हैं या फिर किसी भी और वॉल्ट ऐप में लाकर सेव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आपको दोस्तों ये तरीका थोड़ा हार्ड लग रहा है, यानी आपको लग रहा है कि भाई हमारे फोटो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोटो है, बहुत ज़्यादा वीडियो है हमारी, तो हमें कोई आसान तरीका मिल जाए, तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से ऑडियो मैनेजर वॉल्ट ऐप, यानी ऑडियो मैनेजर ऐप आपके मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल हुआ है, तो आपको तुरंत ही उसे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा और वही सेम पासवर्ड उसमें डालना होगा जो पासवर्ड आपने उस पर डाल के रखा है। फिर आपके फोटो वीडियो जितने होंगे दोस्तों वो आपके उस ऑडियो मैनेजर ऐप में आकर सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप अपनी फोटो वीडियो को अपने मोबाइल फोन में रिकवर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।